और चलिए आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा जिले में पूरे प्रदेश की तरह सभी पटवारी अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पटवारी संघ अपने बुनियादी मांगों को लेकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। पटवारियों को हौसला देने आए पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप और सभी कार्यकारिणी सदस्य दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने निडर होकर अपनी मांगों के लिए लड़ने के लिए सभी पटवारियों को प्रेरित किया और अपने समर्थन का भरोसा दिलाया। हमारे मुख्य रूप से जो मांगे हैं वेतन विसंगति के संबंध में, जैसे पहली मांग हमारा कहना है कि हमको 2800 ग्रेड पे दिया जाए। इसके अलावा विभागीय पदोन्नति के लिए हम लड़ रहे हैं। मुख्यालय निवास की बाध्यता समाप्त करने संबंधी मांग है हमारी। भूइयां के लिए आवश्यक साधन संसाधन उपलब्ध कराने संबंधी है। और बिना विभागीय जाँच के जो छोटी मोटी त्रुटि के लिए FIR दर्ज कर दिया जाता है, उसके लिए हमारा कहना है कि बिना विभागीय जांच के किसी प्रकार का FIR न किया जाए। स्टेशनरी भत्ता में बढ़ोतरी किया जाए। इस तरह की और एक दो मांगे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के साथियों के लिए हमने कहा है कि हमें नक्सल भत्ता भी दिया जाए, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि हमारे साथी बिहड़ नक्सल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमेशा जान का जोखिम बना रहता है, तो उनके लिए हम नक्सल भत्ते की मांग कर रहे हैं। इस स्त्री अनिश्चितकालीन हड़ताल के तारतम्य में हमारे प्रदेश से आए हमारे प्रांत अध्यक्ष महोदय श्री भागवत कश्यप जी और अन्य प्रांतीय पदाधिकारी का दंतेवाड़ा जिला के हम सभी पटवारी साथी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। माँ दंतेश्वरी की पवन धरा पर हमारे प्रांत अध्यक्ष जी का प्रथम आगमन है और इनके आगमन से हमारे सभी पटवारी साथी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और हम में एक नया जोश प्रांत अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया है। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि दंतेवाड़ा जिला एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है। हम लोग यहाँ पे लगभग दंतेवाड़ा जिले में लगभग 21 से 22 महिला पटवारी हैं जो नक्सल प्रभावित एरिया में जाकर काम करते हैं। तो मैं चाहती हूँ, शासन से मेरा मांग है कि इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम करते हैं, इसलिए हमको नक्सल प्रभाव भत्ता हम लोग को दिया जाए। सुरक्षा की दृष्टि से यदि कोई आपकी मांग इस प्रकार है क्या? सुरक्षा को लेकर सर, मुख्यालय में रहने की जो बाध्यता है उसको दूर किया जाए।